हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्राई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन ओपन 2023 देखेंगे, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, साल की शुरुआत में सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो देखिए, ग्रैंड स्लैम की बात करें तो एक साल में टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। तो साल की शुरुआत में सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी महीने में। इसके बाद क्रम से फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई जून में, फिर विंबलडन ओपन खेला जाता है जुलाई अगस्त में, और साल के लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। तो ये टेनिस के चार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती हैं जो खेली जाती हैं। इन चारों का क्रम याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा 1877 में। तो देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ये जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं तो इनमें सर्वप्रथम सबसे पहले विंबलडन ओपन की शुरुआत की गई थी 1877 में। इसके बाद यूएस ओपन शुरू हुआ था 1881 में, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में की गई थी, और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत की गई थी 1905 में। तो इनका एक क्रम भी याद रखना है, इनकी शुरुआत कब कब की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो आंसर होगा ग्रास कोर्ट पर। तो देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम की बात करें तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा लंदन इंग्लैंड में। तो देखिए, विंबलडन ओपन का आयोजन इंग्लैंड के लंदन में किया जाता है। 2023 में इसका आयोजन 26 जून से 16 जुलाई तक किया गया था। देखिए, चारों ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में खेला जाता है, और यूएस ओपन अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। अब देखिए, इन्होंने किसे हराकर जीता, यानी कि इसमें उप विजेता कौन रहे? तो उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। देखिए, कार्लोस अल्काराज ने पहली बार विंबलडन ओपन का खिताब जीता है, और ये इनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने इससे पहले 2022 में यूएस ओपन का खिताब भी जीता था। तो विंबलडन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं कार्लोस अल्काराज, और उप विजेता हैं नोवाक जोकोविच। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मार्केटा बोंड्रोसोवा ने। देखिए, मार्केटा बोंड्रोसोवा ये चेक रिपब्लिक की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है, और इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। देखिए, इन्होंने किसे हराया है, यानी कि इसमें उप विजेता कौन रही? तो उप विजेता रही हैं ओन्स जेब्योर, जो कि ट्यूनिशिया की खिलाड़ी हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता? अब देखिए, पुरुष डबल्स की बात करें तो आंसर होगा नील स्कूपस्की, जो कि ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, और बेसली कुलोप, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता रहे हैं होरासियो जेवालोस, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और मार्सेल ग्रेनोलर्स, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो आंसर भी होगा एलिस मर्टेंस, ये बेल्जियम की खिलाड़ी हैं, और स्टॉर्म सैंडर्स, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन्स डबल्स का खिताब जीता है। उप विजेता की बात करें तो इसमें उप विजेता रही हैं बारबोरा स्ट्रिकोवा, जो चेक रिपब्लिक की हैं, और सी एस सू बेई, ताइवान की खिलाड़ी हैं। तो ये इसमें उप विजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 में मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता? अब देखिए, मिक्स डबल्स की बात करें यानी कि एक महिला और एक पुरुष की जोड़ी में ये खिताब किसने जीता है, तो आंसर डी होगा मैट पेविक, ये क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, और
युडमिला किचेनोक, तो ये यूक्रेन की महिला खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर विंबलडन ओपन 2023 में मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। उपविजेता की बात करें तो इसमें उपविजेता रहे हैं जोरन बलिगन, ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, और जू यीफान, ये चीन की महिला खिलाड़ी हैं। तो ये जोड़ी इसमें उपविजेता रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक सबसे ज़्यादा पुरुष एकल में 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो देखिए, नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये पुरुष एकल मुकाबलों में सबसे ज़्यादा 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इनके बाद दूसरे स्थान पर है राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और इसके बाद है रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो दोस्तों, ये था विंबलडन ओपन 2023। अब देखिए, इससे पहले फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी खेला जा चुका है, तो उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2023 की बात करें, तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो पुरुष एकल का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल की बात करें, तो महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वियातेक ने, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इसके बाद है फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष युगल का खिताब जीता है इवान डोडिक, ये क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, और ऑस्टिन क्राजी चेक, ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है फ्रेंच ओपन 2023 में महिला डबल्स का खिताब, तो महिला डबल्स का खिताब जीता है बांग जिनियू, ये चीन की खिलाड़ी हैं, और सी है सू बेई, ये ताइवान की खिलाड़ी हैं। इसके बाद है फ्रेंच ओपन 2023 मिक्स डबल्स का खिताब, तो मिक्स डबल्स का खिताब जीता है मिक्स मियू काटे, ये जापान की खिलाड़ी हैं, और टीम पुट्स, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। तो ये था फ्रेंच ओपन 2023। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में भी ये खिताब जीता, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में भी पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल की बात करें, तो महिला एकल का खिताब जीता है एरीना सबालेंका ने, ये बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब, तो पुरुष युगल का खिताब जीता है जेसन कुबलर और रिंकी हिजी कार्टन, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने, ये दोनों ही महिला खिलाड़ी चेक गणराज्य की हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मिक्स डबल्स का खिताब, तो मिक्स डबल्स का खिताब जीता है लुइसा स्टेफनी, ये ब्राज़ील की महिला खिलाड़ी हैं, और राफेल माटोस, ये भी ब्राज़ील के पुरुष खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, ये थे 2023 में अब तक जो 3 ग्रैंड स्लैम खेले जा चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया था चंद्रयान 3 का, अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।